राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप भी हरियाणा में होने वाली आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज आपके लिए बुरी खबर निकल के आ चुकी है। दोस्तों हरियाणा के एआरओ अंबाला में जो आपकी आर्मी भर्ती रैली होने वाली है वो फिर से पोस्टपोन हो चुकी है। क्या उसकी नई डेट निकल के आई है? अगर आप ये पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत देखें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हरियाणा में जो आपकी आर्मी भर्ती रैली होने वाली है उन भर्तियों को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आई। सबसे पहले हम बात कर लेते दोस्तों आपकी जो भर्ती रैली का नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपका जो ओल्ड हो चुका है 9 दिसंबर का आपका जो ये नोटिफिकेशन आपसे मैं यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोस्तों आपको बता दें कि जो यहाँ पे हरियाणा के एआरओ अंबाला में जो आपकी भर्ती रैली होने वाली थी आपकी तेजली स्पोर्ट्स क्लब यमुनानगर में, आपके जो डिस्ट्रिक्टों की अगर हम बात करें दोस्तों अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकूला एवं चंडीगढ़ की जो आपकी भर्ती रैली होने, दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि आपकी जो भर्ती है यहाँ पे 23 से लेकर 28 फरवरी तक आपकी भर्ती रैली चलने वाली थी वो पोस्टपोन हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दूँ कि जो ये नोटिफिकेशन दोस्तों थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है और आपका जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट की अगर हम बात करें दोस्तों उस पर भी आपकी यही डेट बताई गई कि आपकी जो भर्ती रैली है ये इस डेट को होने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं जो नोटिफिकेशन है ये थोड़ा फेक भी हो सकता है, इसलिए आपसे भी इस नोटिफिकेशन में ध्यान नहीं देना। अगर आप भी एआरओ अंबाला के आसपास के रहने वाले तो दोस्तों आपसे भी वहाँ से पता करके जरूर बता सकते हो कि क्योंकि इस भर्ती को लेकर दोस्तों काफ़ी टाइम से आपका झंझट चल रहा है, क्योंकि आपकी जो भर्ती है मई के आसपास में आपकी भर्ती रैली होने वाली थी, कोरोना के कारण आपकी भर्ती नहीं हो पाई है। दोस्तों आगे भी यही नोटिफिकेशन में बताया गया कि आपकी कोविड-19 के कारण आपकी जो भर्ती है पोस्टपोन हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दूं पर मुझको 99% पूरे चांस है कि अभी आपकी भर्ती है पोस्टपोन नहीं हुई है, ठीक है। आपको बता दूं कि अगर आप भी अंबाला में होने वाली आर्मी भर्ती की तैयारी करें तो दोस्तों आपसे भी इस नोटिफिकेशन को हल्के में ना लें। और आपको बता दूँ कि आपसे भी जैसे कि आपसे भी उत्तर प्रदेश के राज्यों की अगर हम बात करें, आपके बरेली में जो आपकी भर्ती रैली काफ़ी टाइम से इसी प्रकार जो रुकी हुई थी उसमें थोड़ा प्रदर्शन किया दोस्तों कैंडिडेटों ने, एक साथ होकर उस भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया। और आपकी जो भर्ती रैली है दोस्तों उस भर्ती की अगर हम बात करें तो 4 दिन में आपका जो उस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो इंडियन आर्मी वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों हरियाणा में जो आपकी भर्ती रैलियाँ होने वाली हैं और कोरोना के चलते आपकी भर्तियाँ नहीं हो पा रही, दोस्तों आपको भी बता दूँ मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप भी ऐसा ही प्रदर्शन अपने भर्ती को लेकर करें, क्योंकि आपसे भी अपने हक के साथ अपने हक के लिए लड़ जुड़ सकते हो। क्योंकि आपको बता दूँ कि ऐसी तो आपकी जो उम्र है दोस्तों आपको पता होगा कि 1 साल और पीछे आपकी चली गई है और उम्र ओवरेज आपकी होती जा रही है। आपको बता दें कि आपकी जो भर्ती रैलियाँ आ गई जे अगर इस वर्ष यानी कि जो आपकी फरवरी में भर्ती नहीं हुई तो दोस्तों आगे आपकी भर्ती 3 साल में नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी जो भर्ती है वो आपको 2 साल में यानी कि 1 साल में एक बार भर्ती आपकी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपकी भर्ती फरवरी के बाद आपकी जो भर्ती गई तो आगे जो आपकी सितंबर अक्टूबर में जो आपकी भर्ती रैली होनी थी दोस्तों वो थोड़ा मुश्किल में आपकी पड़ जाएगी, ठीक है। आपको बता दें कि आपसे भी अंबाला एआरओ से थोड़ा पता करके जरूर बताएं। और आपको बता दें कि मेरे हिसाब से तो दोस्तों इंडियन आर्मी वेबसाइट पर भी यही है और नोटिफिकेशन में बताया गया कि आपकी जो भर्ती है वो 23 से लेकर 28 फरवरी तक है। बाकी सब अपने यहाँ पे एआरओ से पता करके जरूर पता करें दोस्तों, ताकि आपको बता दूं कि आपने जो अपनी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि ऐसे जो नोटिफिकेशन है वो फेक भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर तो अभी तक नहीं आया है। और आज की वीडियो में बस बस इतना ही है दोस्तों। आशा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी जानकारी दी गई अच्छी लगी है तो दोस्तों जितना हो सके मेरी बात पर गौर करना और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।